हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं थोड़ा शॉकिंग वीडियो जिसको देख के लिटरली मैं शॉक हो गया था। अगर दोस्तों ये गोप्रो में एक्शन कैमरा में कैप्चर नहीं होता ना, तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपको बच के रहना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग भी देती है एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है। ये येलो राइडर हैं जिनने ये कैप्चर किया हुआ है। एंड चलिए पहले देखते हैं फुल वीडियो, फिर बाद में बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो दोस्तों, आपने पीछे देखा, आपको समझ में सही में नहीं आया, मुझे फर्स्ट टाइम देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चला था एक्चुअल में हुआ क्या। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सामने क्लासिक जो है वो रेडिच की क्लासिक ग्रीन जो है वो जा रही है, जो राइडर चला रहे हैं वो मीटियोर है। एंड दोस्तों, ये खरदुंगला वाला रोड है जहाँ से ये 2001 जून की बात है जो राइडर ने डिटेल शेयर की है जिस तरह से। एंड दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, सडन टर्न आता है एंड टर्न पे जैसे ही राइडर लेता है और वो राइट की तरफ ज़्यादा ही ले लेता है, फिर सडन जैसे ही लेफ्ट की तरफ लेता है ना, तो टायर जो पीछे वाला है वो आगे की तरफ स्लिप हो जाता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वादियों में जब आप कहीं ज़्यादा देखने लग जाते हैं ना, तो ऐसा होता है। एंड मीटियोर राइडर ने सडन ब्रेक मारा, एकदम उसकी जो बाइक है क्लासिक एकदम सामने आ गई है, सडन ब्रेक में आ गया, पहला टायर जो है वो राइडर के ऊपर जो है वो चढ़ गया। इसमें अभी मिस्टेक तो दोनों में से किसी की भी नहीं कही जाएगी, ये पैनिक के टाइम पे हुआ है। एंड इत्तेफाक से पीछे भी एक गाड़ी आ रही थी, ठीक है, एज पर राइडर वो सोलो राइड कर रहे थे, जो मीटियोर राइडर हैं वो सोलो राइड कर रहे थे एंड पीछे गाड़ी आ रही थी, उनने जल्दी से उनको बुलाया। एंड उसने जब देखा कि यार राइडर तो एकदम गाड़ी के नीचे है, तो बाकी लोगों को बुलाया। यहाँ पर एक चीज़ राइडर ने अच्छा किया कि खुद कोशिश नहीं की, क्योंकि सिंगल बाइक को उठाना विथ लगेज थोड़ा पैनिक होता है, तो उनने आराम से वहाँ पर खड़े रहे, उनने जो है बाकी जो पीछे से आ रहे थे उनको बुलाया एंड वहाँ से लोग जो है भागे हुए आए एंड बाइक को पूरा उठाया एंड राइडर को पूरा निकाला। तो राइडर को ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं आई, लाइट इंजरी के साथ में ये जो है थोड़ा सेफ हो गए, वरना यहाँ पे मेजर इंजरी भी हो सकती थी। राइडर ने जो क्लासिक राइडर थे उनने भी थोड़ा सा अच्छा हुआ कि बाइक को राइट साइड ज़्यादा नहीं ले गए, लेफ्ट साइड में डाल दिया, वरना तो उनके साथ भी ज़्यादा मेजर इंजरी हो सकती थी। बट यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में जो राइडर है क्लासिक राइडर, उनको एक्चुअल में हुआ क्या था, किस लिए उन्होंने जो है अपनी बाइक जो है ज़्यादा से ज़्यादा राइड की तरफ ले ली। एंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी आप ग्रुप में राइड कर रहे हो या सोलो राइड कर रहे हो ना, सामने वाला राइडर से हमेशा डिस्टेंस बना के रखो। देखो, ग्रुप राइड में आपने कई बार देखा होगा, जब हम एक्सीडेंट वीडियोज़ देखते हैं उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि यार ग्रुप राइड में करते करते एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत क्लोज डिस्टेंस रखते हैं, हम ब्रेकिंग का जो अपना डिस्टेंस है वो हमेशा भूल जाते हैं। एंड ग्रुप राइड में क्या होता है, मस्ती में जाके होते हैं एंड उस टाइम में ही ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा जब भी आप ग्रुप राइड कर रहे हो, सोलो राइड कर रहे हो, तो हमेशा डिस्टेंस बना के रखो सामने वाले राइडर से या कार से, क्योंकि आपको ब्रेकिंग के लिए कम से कम 10 मीटर के आसपास का स्पेस चाहिए प्रॉपर से, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी है, अगर आपकी स्पीड 20-30 के आसपास है तो आपको क्या पता 3-4 मीटर में भी आप ब्रेक कर सकें, मगर पैनिक ब्रेकिंग की जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उतनी जगह रखते हैं तो आपके साथ एक्सीडेंट होने के प्रोबेबिलिटी चांसेस जो हैं वो कम से कम होंगे। एंड अगेन यहाँ बोलना चाहूँगा, राइडर बहुत लकी था कि उनका गोप्रो भी ऑन था, ठीक है, उनने कैप्चर भी कर पाया कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वरना कई सारे टाइम पे लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी रेयर से कोई गाड़ी ठोकती है ना, तो ऐसा ही लगता है कि रेयर वाली गलती होगी, बट हमेशा रेयर वाली गलती नहीं होती यहाँ पर। एंड थैंक्स उनको कहना चाहूँगा कि उनने ऐसी वीडियो शेयर करी जिससे कुछ सीखने को मिला। हमेशा डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखिए, जितना डिस्टेंस हो सके उतना मेंटेन कर रखे, कहीं भी पैनिक ब्रेकिंग सामने वाला कर सकता है और कभी भी एक्सीडेंट ऐसे किसी के साथ भी हो सकते हैं।
एंड दोस्तों आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कैसा आपको लगा ये वीडियो। एंड यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स जो आपके लिए आते रहेंगे। बाय।